यह वीडियो हमारा स्पॉन्सर कर रहे हैं अल्कलाइन वाटर फिल्टर द्वारा, जो कि सहरसा स्थित ऑफिस से इसका बनाया गया है, और इसका मोबाइल नंबर नीचे स्क्रीन में शो कर रहा है, जिसपे आप कांटेक्ट करके आप आरओ मशीन लगवा सकते हैं घर में, और इसका डिलीवरी चार्ज भी 0 होगा। इस नंबर पर फोन करके आपको इस मशीन का फ्री डिलीवरी और होम डिलीवरी भी मिलेगा, एवं इस मशीन को लगा भी दिया जाएगा। और पानी स्वच्छ पिए ताकि शरीर को बेहतर रूप से पोषण मिल सके और हाईटेक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं इंडियन रेलवे के आर। आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट है भागलपुर के बीच हवाई अड्डे के समीप रेलवे हॉल्ट अपडेट के ऊपर। तो चलिए यह जानकारी शुरू करते हैं। जानकारी शुरू करने से पहले, अगर आप किसी बड़े नेता, दुकान मकान या फिर कोई भी बिजनेस लाइन का प्रचार एवं एडवर्टाइजमेंट कराना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर इसके माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करें नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर पर, जिसपे आपका हम पूरा मदद करेंगे और आपका बिजनेस दिन रात 4 गुना बढ़ता जाएगा। तो चलिए वापस से इस वीडियो पर आते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबौर भागलपुर के बीच हवाई अड्डा के समीप रेलवे हॉल्ट बनेगा। इसके लिए स्थल निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और रेलवे हेडक्वार्टर में लंबित है। इसकी जानकारी सांसद अजय कुमार मंडल के सांसद प्रतिनिधि प्रदीप कुमार ने दी, और बुधवार को मालदा रेल मंडल में जीएम के साथ सांसदों की बैठक के बाद रेलवे की ओर से उठाए गए मुद्दे पर अनुपालन प्रतिवेदन दिया गया। हालांकि रेलवे के डीएमयू व ईएमयू ट्रेनों में डब्बे बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। मुस्लिम हाई स्कूल रेलवे गुमटी नंबर 12 और जगतपुर ग्रीन सिटी सबौर स्टेशन के समीप क्रॉसिंग घोघा क्रॉसिंग एवं एकचारी शिव नारायणपुर व पीरपैती में भूमिगत या फ्लाई ओवर के निर्माण में राज्य सरकार के लिए रेलवे से सहमति मांगी गई है। हालांकि बांका से नई दिल्ली के बीच एक ट्रेन रेलवे निकट भविष्य में चला सकती है और मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है। भागलपुर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 के यार्ड की रिमॉडलिंग की जा रही है। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट, जिसमें हम बात किए थे भागलपुर में हो रहे तमाम बदलाव के ऊपर। इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल को इंडियन रेलवे केआर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें, जिससे आप लेटेस्ट वीडियो से जुड़े रह सकते हैं।